हेलो एवरीवन, आई एम अंकित। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। बेसिकली मेरे पास में काफ़ी रिक्वायरमेंट आ रही थी, जैसे कि बायर कॉट तो बाय कर लेते हैं कस्टमर, बट उन्हें असेंबलिंग करना नहीं आता है कि हम कैसे कॉट को असेंबलिंग करें और कैसे बनाएं। तो उसके लिए आज मैं आपके लिए एक कैली कॉट होता है, ये कैली कॉट ऐसे ओपन हो जाएगा, सारे पार्ट्स अलग अलग आते हैं, जिसमें मेटल फॉर्म रहता है, ऐसा स्क्रू रहेगा और क्या कहते हैं ये व्हील्स रहते हैं दो जो नीचे लगेंगे, ऐसे मॉस्किटो नेट के लिए रॉड रहती है। तो इसके लिए अब मैं आपको असेंबल करके दिखाता हूँ कैसे असेंबल करते हैं। काफ़ी ईजी होता है, पर काफ़ी लोग इसके लिए चार्ज देना पड़ता है, पे करना पड़ता है, तब इसे असेंबल कराते हैं। तो ईजिली तरीके में आज मैं आपको ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। जैसे कि ये हम पार्ट्स ले लेते हैं, सिंपल पार्ट्स होता है वन वाला। इसमें हम देखेंगे कि ये वाले खांचे हैं, ये बाहर की साइड में रहेगा ऐसे वाला स्टैक्स, और ये वाला स्टैक्स जो है ये अंदर की साइड में आ जाएगा। तो अब हम इसे असेंबलिंग करते हैं। दूसरा हम इसमें देखते हैं, ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर है और ये वाला पीस थोड़ा नीचे है। अगर मैं इसकी लेंथ को ऐसे नापूंगा तो ये ऊपर आएगा और ये वाला पार्ट स्क्रू नीचे आएगा। तो जो स्क्रू नीचे की साइड होगा उस वाले पार्ट को, इस पार्ट को मैं रख दूंगा, इस पार्ट में ये वाला पार्ट होगा जिसमें कोई होल्स वगैरह नहीं रहेगा। इसमें देखना पड़ेगा ये वाली जो तीन होल्स है ये बाहर की साइड में आएंगे और ये वाले अंदर की साइड में रहेगा पार्ट्स। तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे पकड़ लूंगा, ये तीन होल रहेंगे, ये वाले तीनों होल हैं, ये तीनों होल रहते हैं जो नीचे के साइड में। तो इसे मैं ऐसे पार्ट्स में उठाऊंगा, यहाँ पर स्टैक्स कर लूँगा। पेजेस रहते हैं जो कि ये वाले चार पेज अलग कर लेते हैं, ये पेज अलग कर लेंगे, जो पेज इसके अलावा अलग रहते हैं वो पेज हम इनको ऐसे पकड़ लेते हैं। ये अच्छे तीन पेज ले लेंगे एक बार में, तीन पेज साइड करने के बाद में इसको पार्ट्स को ऐसे पकड़ लेंगे और सबसे पहले ऊपर के पार्ट को। साइड से उठा लूंगा और फिर इसी में से जो दो हमारे पास में पीचेस हैं इसमें से दो पीचेस ये लेने और एक पीचेस ये लेना है, तीन पीचेस ये वाले लेने और एक पीचेस ये वाला जो ओपन की साइड है वो ले लेना है। और इस पार्ट से इधर की साइड हम ले आएंगे, जो इधर की साइड आकर ये वाला पार्ट जो हम लगाते हैं, इधर की साइड जब हम ये वाला पार्ट ले आते हैं तो ये वाले पार्ट को हम थोड़ा सा ये वाला पार्ट ऐसे लग जाता है। अगर हमें ये फ्लैप खोलना होगा कि हम इस फ्लैप को ऐसे ऊपर कर देंगे तो ये खुल जाता है और लॉक हो जाता है, ये वाला लॉक रहता है, ऐसे ही सेम साइड में लॉक रहता है। अगर मैं इस लॉक को बाहर की साइड खोलूंगा और लेफ्ट साइड वाले को बाहर की साइड ऊपर खोलूंगा तो ये ऐसे डाउन हो जाएगा, अंदर बंद हो जाएगा। हमने एक पेच यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर एक पेच यहाँ पर लगेगा, एक पेच यहाँ पर लगेगा, सेम एज वेल में दो पेच यहाँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लगेगा, दोनों टाइट हो जाएंगे और ये वाला जो लॉक खोल कर डाउन कर देंगे तो ये ऐसे इतना बनकर पूरा तैयार हो जाएगा। अब मुझे ये वाला पार्ट जो होता है, जो मदर वेयर के साथ में अटैच होता है ये वाला, ये अगर फ्लैप लगाना है यहाँ पर तो मुझे दो चीज़ें स्क्रू में अपने देखनी पड़ेंगी, ये दो नट देखने पड़ेंगे। ये दो नट होते हैं जिनमें नट कसा रहता है, दो पेच होंगे, सबसे छोटा साइज रहता है, पहचान के लिए ये रहता है कि सबसे छोटे साइज के रहते हैं, दोनों के दोनों एक दो ढिमनी रहेंगी, उनको उठा लेंगे। प्लस फिर हमें सबसे पहले सिंपल में ये उठाना पड़ेगा, लॉक रहेगा, इधर की साइड से ये क्लिप नीचे की साइड ज़्यादा एक्स्ट्रा रहती है। सबसे पहले ऐसे हम दो साइड डाल देते हैं, यहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर ये क्लिप ऐसे डल जाएंगी और सेम एज वेल में दो क्लिप ऐसे यहाँ पर डल जाएंगी, ये दोनों साइड ऐसे क्लिप लग जाती है। ये क्लिप लगने के बाद में ये वाला जो पार्ट रहता है, जो हल्का पार्ट है, ये जो हल्का पार्ट रहता है ये वाला, इस पार्ट को वन साइड करके ऐसे आप वन साइड करके इजली इसे आप ऐसे
डाल सकते हैं कॉट के अंदर, ये कॉट ऐसे डालकर आप छोड़ दीजिए, कॉट बन जाता है और ऐसे डल जाएगा और रुक जाता है। अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये वाला पार्ट थोड़ा डाउन जा रहा है, नीचे रहता है, इसकी ब्रेक थोड़ी नीचे रहती है अकॉर्डिंग टू स्पीड। तो इसके व्हील्स लगते हैं, ये वाले जो हमारे पास में व्हील्स रहते हैं, ये व्हील्स कैसे टक होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं इस कॉट को थोड़ा सा ऐसे उठाऊंगा तो इसके दोनों साइड होल रहेगा, ये वाला होल रहता है, ये होल रहेगा, ऐसे ही सेम एज वेल में ये होल रहेगा। तो ये सिंगल व्हील पकड़ कर मैं इसमें ऐसे प्रेस कर दूंगा, ये व्हील अंदर चला जाएगा। सेम एज वेल में दूसरी साइड से प्रेस कर दूंगा तो ये व्हील अंदर चला जाएगा, ये ऐसे कॉट बन जाएगा। इसके बाद में जब हम बेबी को सुलाने के लिए ये वाले पार्ट्स लगाते हैं तो इसमें आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ये पेच है, ये वाला होल बना हुआ है, ये होल बना हुआ है, ये होल बने हुए हैं, ये चारों साइड होल बने हुए हैं जिसमें हमें टकिंग करना है। तो हमारे पास में कुछ पेचेज होंगे, ऐसे कुछ पेच होते हैं ये वाले जिनमें ये वाइट कलर की क्लिप लगी रहती है, इनको हम लेकर ऐसे और इस होलों में टाइट करते चले जाएंगे। देखना पड़ेगा कि इधर की साइड में, जैसे आप ये देख रहे हैं ये होल है, ये वाला होल है मेन पार्ट में, इधर की साइड में जिधर की साइड में होल है, ये पार्ट मॉस्किटो नेक की साइड में जाएगा ऐसे, क्योंकि हमें एक पेच यहाँ पर होल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये होल दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें पार्ट में वो लगाना पड़ेगा जो इधर तीन होल दिखते हैं उसमें से एक में, और ये यहाँ टाइट हो जाएगा। आपको सारे के सारे पेज जो है वो स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा थोड़ा टाइट कर देना जिससे कि हिले ना पाओ, टाइट हो जाएगा, तो मजबूत हो जाता है और ना ही कॉट अगर इधर की आप इस क्रैडल को ऐसे पकड़ लेंगे, ये क्रैडल ऐसे पकड़ने के बाद में ऐसे ऊपर हो जाएगा और फिर इधर की साइड से जो हम देखेंगे इसे तो ये यहाँ पर अटैच हो जाता है। ये वाला जो पार्ट रहेगा, चार रहते हैं, इन पार्टों को आप इजीली ऐसे जमीन पर रख कर और ऐसे उठा देंगे यहाँ पर, ये वाले दो एक साइड में और दो एक साइड में ऐसे लॉक हो जाएगा इस टाइप से। बेड वगैरह पर क्रैडल को यूज कर सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं। देन उसके बाद अगर देखें तो जैसे नाइट में अपने मदरबेयर से अटैच करना है तो ये वाले फ्लैप ऐसे ऊपर की साइड करके दोनों को बाहर की साइड खेल देंगे तो नाइट में आप बेड को अटैच कर सकते हैं। क्लोज करना है तो इसलिए यहाँ से उठाते हैं, ऐसे क्लोज भी कर सकते हैं, और दूसरा ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये स्टोर रूम रहता है, यहाँ पर ऐसे ओपन करके ऐसे रख सकते हैं। अगर आपको ये डिसम्बल करके रखना है तो इसे नीचे डिसम्बल कर देंगे, प्लस ये वाला जो पार्ट रहेगा उस फ्लैप को आप ऐसे खोल देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसे क्लोज करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जैसे कि ये वाला पार्ट है इसे थोड़ा सा बाहर की साइड पुल, थोड़ा ऊपर उठाकर बाहर की साइड पुल करेंगे दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट से, तो ये डाउन हो जाएगा। और चेक कर लीजिएगा ये वाले पेज आप फिर दोनों टाइट हैं कि नहीं, ये वाला और ये वाला दोनों पेजों को टाइट कर लेते हैं और फिर लॉक कर देते हैं। इस टाइप से पूरा कॉट असेंबल हो जाता है, इसका जो मेजरमेंट रहता है वो 111/63 का मेजरमेंट रहता है, जो इसके अंदर का पूरा मेजरमेंट रहेगा, उसी में आप सिंपल में ऐसे ये गद्दा सेट डाल सकते हैं। ये इसलिए गद्दा सेट आता है, इसी का मैट्रेस बोलते हैं इसे, ये पीपी फॉर्म का रहता है, सबसे बेस्ट वार्मिंग रहती है, जो कि 111/63 का मेजरमेंट रहता है। ऐसे डाल के इसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह कुछ यूज कर सकते हैं। ये आपकी पूरा कोट असेंबल हो चुका है और आपका डन हो चुका है। अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट है और आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जानकारी मुझसे ले सकते हैं, और कैसे असेंबल करना है या कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।